हाय गाइस, आप सब कैसे हो? मैं एक ले से आता हूँ। आज आप सबके लिए मैं एक ब्लॉग लेके आया हूँ जो कि मेरा पहला ब्लॉग है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे थोड़ा सा नारियल के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, दो चार पेड़। बट मैं जिस एरिया में हूँ उस एरिया में बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं उसी एरिया में हूँ जिस एरिया में इनका होना फेमस है। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा इधर रहते हैं। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय हूँ कर्नाटका के बेस्ट सिटी और भारत के सबसे महंगे सिटी बेंगलोर में। बेंगलोर के शहर के एक रूम के टेरेस पे खड़ा हूँ और आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, अंत तक आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट, आज थोड़ा बारिश का मौसम है और इसलिए मैं बाहर थोड़ा निकल नहीं सकता, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें दिखा नहीं सकता। तो फिर भी मैं प्रयास करूँगा कुछ आपको दिखाने के लिए। तो सो गाइस, ये देखिए मेरा छत है, टेरेस जिसे आप बोलते हो। और देखिए नारियल के पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी पत्तियाँ। और ऊपर ऊपर देखो बादल है, थोड़ा सा बादल है ना, बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप रिलेट कर रहे होंगे, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मेरी तस्वीरें भी है। सो गाइस, बताइएगा कैसा लग रहा है। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे। तो गाइस, तो मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ दिखाने के लिए मैं अपने कैमरा को बैक कर लिया हूँ। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ तस्वीरें जो कि आपको बहुत प्यारी लगेगी। मुझे तो बहुत प्यारा लगा था क्योंकि मैं यूपी से हूँ जहाँ पे ये सब पेड़ होते नहीं। तो देखिए, ये देखिए, ये नारियल के पेड़ हैं, इसमें भी नारियल लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पर शायद आपको क्लियर नहीं दिख पाया। इधर देखिए है, इधर भी देखिए है, नारियल भी लगे हुए हैं। इधर नारियल भी थोड़ा मिलता है, सस्ता मिलता है हर जगह से। थोड़ा अपने यूपी में थोड़ा कास्टली है पर इधर सस्ते मिलते हैं, पर बहुत अच्छे होते हैं। एक बार आप ज़रूर पी लीजिएगा, बहुत प्यारा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी आपकी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए बादल का मौसम, आजकल तो बारिश अभी यूपी में, अभी अदर स्टेट में शुरुआत हुई है, बट इधर तो थोड़ा बहुत हो रही है, बीच बीच में इधर होती रहती है बारिश। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मौसम, देखिए। और मौसम को और पेड़ों को दोनों को रिलेट कीजिए, देखिए दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे से कंबाइन करके। तो सो गाइस, ऐसे भी हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो हम दोनों भी मिलकर बहुत अच्छे दिख सकते हैं इस दुनिया के लिए। सो गाइस, हम और आप अगर आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हो सकता है दोनों इस दुनिया में बहुत खूबसूरत दिखें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बादल और पेड़ के बीच में जो दृश्य है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो सो गाइस, इसीलिए कहते हैं लोग कि एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले, इसलिए मैंने थोड़ा बोला। हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पहाड़ों का दृश्य दिखाएं तो हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको यहाँ के जहाँ मैं हूँ इस समय, इस तरफ के मैं सारे पहाड़ को, पहाड़ पे जा करके पहाड़ों के पास मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा। मैं तो इधर भी पढ़ाई करने आया हूँ, टाइम तो रहता नहीं ज़्यादा, पर आप लोगों के लिए मैं टाइम निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अखिलेश यादव।